कनेक्शन में अब बात होगी एक खास मैनेजमेंट की। हमारे साथ आज सिंजन इंटरनेशनल के मैनेजमेंट होंगे बात करने के लिए कि इन्हें इस वक्त ओवरसीज डिमांड किस तरह से दिख रही है। चाहे आप यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, जहां लगातार कई समय से हेडविंड्स की बात हो रही है, वहां पर अब सिनेरियो कैसे बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक बार आपको कंपनी के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देते हैं। सिंजन बायोकॉन की एक सब्सिडियरी कंपनी है। 93 में एज एन इंडिविजुअल एंटिटी सिंजन फॉर्म हुई थी। रिसर्च बिजनेस मेजर इनका कारोबार है और साथ ही फार्मा, बायोटेक, एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री में कंपनी डील करती है और 400 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स कंपनी के पास हैं। और अब हमारे साथ बात करने के लिए महेश भालगत हैं, सीओओ हैं सिंजन इंटरनेशनल के। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर महेश ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की बात करना चाहेंगे, रिसर्च डिविजन्स की बात करें, आपके दोनों डिविजन की बात, चाहे हो चाहे आपके डिस्कवरी सर्विसेज हो, डेडिकेटेड सेंटर्स हो, दोनों ही डिविजन में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आपको रिपीट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो इसकी ग्रोथ किस तरह की आगे भी दिखेगी, इस पर थोड़ी आपकी व्यू चाहेंगे। हाँ, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अमेरिका और यूरोप के अपने मुख्य ग्राहक बाजारों में अच्छी मांग देखी है और इस वजह से हमारा ये तिमाही का जो प्रदर्शन रहा है वो अच्छा रहा है। उसमें खास तर अगर देखा जाए, जो आप पूछ रहे हो, डिस्कवरी सर्विसेज जो हमारा रिसर्च डिविजन है, उसके निरंतर अच्छे प्रदर्शन और मैन्युफैक्चरिंग जिसमें बायोलॉजिक्स ग्रुप का मजबूत प्रदर्शन रहा है, उन दोनों का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। ओके, एक बड़ा जो कंसर्न इस वक्त सबके लिए है मिस्टर महेश कि क्या आप डिमांड सिनेरियो यूएस से, यूरोप से इंटैक्ट देख रहे हैं, वहां किस तरह के सिनेरियोस, कितने स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन अभी आप इन कंट्रीज में देख पा रहे हैं? यूरोप और यूएस हमारे मेन मार्केट्स है और वहां पर हमने डिमांड में स्लो डाउन नहीं देखा है अभी तक। ऑफकोर्स हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन प्रेशर्स है, बढ़ती महंगाई है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की रिसेशन की जो कंसर्न्स है, उस पर सब ध्यान रख रहे हैं, पर अभी तक हमारा बिजनेस जो साइक्लिकल नेचर का नहीं है, इसलिए अभी तक हमने मांग में वृद्धि नहीं देखी है, अभी तक मांग में घटत नहीं देखी है एक्चुअली। डॉक्टर महेश, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद एक बार थोड़ा सा आपसे अब आपकी गाइडेंस पे फिर से एक व्यू चाहेंगे। आपने अच्छी गाइडेंस दी है, इनफैक्ट सेल्स ग्रोथ की भी आपने हाई टीन सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस दी है, साथ ही एबिटा मार्जिन का भी आपका जो गाइडेंस फिगर है वो 30% के आसपास है। क्या ये गाइडेंस आप मेंटेन रखेंगे या फिर एनी हाउ पॉसिबिलिटी दिखती है कि कोई अपसाइड रिस्क भी होगा इस गाइडेंस को देखते हुए आगे चलते हुए? इस बार हम चेंज तो नहीं करेंगे हमारे गाइडेंस को। ऑफकोर्स काफी सारे, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेशन प्रेशर्स है, इकोनॉमिक वातावरण, अभी भी उस पर गहरी नजर रखने की जरूरत है। काफी चेंजेस हो रहे हैं ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो में, सप्लाई चेन की अनिश्चितता भी कभी की काफी देर तक चल रही है, थोड़े बहुत जो यूटिलिटी कॉस्ट है उन पर भी दबाव आ रहा है, तो उस वजह से हम ऑफकोर्स हमारा प्रदर्शन अच्छा रखना चाहेंगे, पर अभी हम गाइडेंस को चेंज नहीं करेंगे। हमने जो गाइडेंस दिया था हाई टीन्स का, वही गाइडेंस हम फॉर द एंड ऑफ द ईयर भी दोहराना चाहेंगे। डॉक्टर महेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब, अर्निंग्स के बाद अपना रिएक्शन देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया आईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। चलिए अब स्टॉक पर एक फंडामेंटल व्यू। अविनाश गोरक्षाकर है हमारे साथ, उनसे समझते हैं कि वो इस कंपनी को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। अविनाश, गुड आफ्टरनून। कंपनी किसी भी फ्रंट पे आप गाइडेंस की बात करें, चाहे वो मार्जिन की गाइडेंस हो या फिर आप सेल्स ग्रोथ की बात करें, और ऑलरेडी दोनों ही डिविजन में अच्छे खासे रिपीट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं कंपनी को, कैसे आप एनालाइज करते हैं स्टॉक को? नहीं, देखिए, नंबर्स तो इन लाइन आ गए हैं, हालांकि मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर जरूर आया है। मेरे ख्याल से आई थिंक जो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर भी रहेगा वो एक मॉडरेटली स्टेडी क्वार्टर रहेगा, बट उसके बाद जो इनको मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से यू नो ऑन द होल अगर 12 से 15 महीने का व्यू लेते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स कैन होल्ड ऑन, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं क्योंकि मॉलिक्यूल का जो डेवलपमेंट है वो उसका रनवे काफी बड़ा है और अपॉर्चुनिटी बड़ी है, तो माय सेंस इज किसी को अगर पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है तो थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करिए, निचले लेवल पे डेफिनेटली ये खरीदने लायक स्टॉक है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट तो काफी अच्छे हैं।
थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए और जब आप इसमें एंट्री पॉइंट लेंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आज समय देने के लिए। बढ़ेंगे आगे एक और मैनेजमेंट, खास मैनेजमेंट।